सो गाइज, अगर आप एक ऐसी गाड़ी की तलाश में है जिस गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस भी 1 लाख से कम में देखने को मिल जाए, और उसका जब आप लुक देखें वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिले, आपको मस्कुलर मिले और साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प मिले, तो वही गाड़ी हमारे सामने खड़ी है। ऑल न्यू 2023 न्यू मॉडल होंडा लीबो 110, जो कि आप ब्लैक कलर में देख पाएंगे। तो आज हम लोग इस बाइक का फुल डिटेल वॉकराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या है, इसमें आपको माइलेज क्या देखने को मिल जाएगा, इस बाइक में आपको टॉप स्पीड क्या मिल जाता है, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके फ्रंट के साथ शुरुआत किया जाए। यहाँ से आप इसका फ्रंट लुक देखेंगे, जो कि आपको अच्छा खासा एग्रेसिव देखने को मिलेगा, आपको अच्छे डिजाइन में यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। ये फ्रंट वाइजर देखेंगे, जो कि आपको टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया है, और साथ साथ आपको यहाँ पे होंडा को भी मेंशन किया गया है। नीचे में आपको फुल्ली हेलोजन बल्ब के साथ आपको लाइट सेटअप दिया गया है, और लाइट का आप थ्रो देख सकते हैं, आपको अच्छा खासा थ्रो मिल जाएगा। और इसमें जो इंडिकेटर्स मिलता है ये भी आपको फुल्ली हेलोजन बल्ब के साथ ही दिया गया है, सेम आपको SP125 वाला ही आपको बल्ब दिया गया है। इस जगह पे आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया है। फ्रंट मडगार्ड देखें, जो कि आपको टोटली फाइबर बॉडी में दिए गए, ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज किया गया है। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, आपको हल्के पतले सस्पेंशन दिए गए, बट जो छोटा मोटा जो गड्ढा है वो आपका कहीं भी पता नहीं चलने वाला है। दोनों साइड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट टायर इसमें आपको 80/100 सेक्शन के दिए गए, जो कि आपको सीएट कंपनी की तरफ से दिया गया है, जहाँ पे आपको 18 इंचेस का आपको अलॉय व्हील भी सपोर्ट करने वाली है। और इस बाइक के फ्रंट में आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसे जब भी आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे उस वक्त जो पिछला वाला ब्रेक है वो भी आपका अप्लाई हो जाने वाला है, जिससे आपका जो चक्का है वो आपका स्किट ना करे। और यहीं से आप इसका साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल से भी आपको बहुत ही ज्यादा शार्प देखने को मिलेगा, और आपको मस्कुलर देखने को मिलेंगे। टैंक देखें, जिसमें आपको 9.1 लीटर का टैंक कैपेसिटी दिया गया है, और जो टैंक दिया गया है जो कि आपको टोटली मेटल में ही दिए गए हैं। और यहाँ पे आप स्टिकर देख सकते हैं, जो कि आपको ग्रे और ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। और टैंक काउल की ओर देखें तो ये जो पार्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा आपको शार्प गया हुआ है, जिससे आपको एरोडायनामिक का फील ज्यादा मिल सके। यहाँ पे देखें तो आपको होंडा को मेंशन किया गया क्रोम के साथ, साथ साथ आपको यहाँ पे लोगो भी देखने को मिलेंगे। ये जो पार्ट है आपको SP125 से थोड़े से कम दिए गए, जिस वजह से आपको उतना ज्यादा मस्कुलर नहीं देखने को मिलेगा। इसी के जो साइड में देखें, यहाँ पे आपको लीबो का मेंशन किया गया है, जो कि आपको ग्रे कलर में मिलेंगे, साथ साथ आपको यहाँ पे रेड कलर का भी स्टिकर दिया गया है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं, जो कि आपको थोड़े से कार्बन फाइबर फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ साथ इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। ये आप देखें, जो कि ब्रेक पेडल्स दिया गया है, ये आपका राइडर का फुटेज जो कि आपको टोटली फिक्स ही मिलेंगे, ये आपका पिलियन का फुटेज दिया गया है, जो कि आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप इसका एग्जॉस्ट देखेंगे, इसके ऊपर में आपको यहाँ पे क्रोम का भी ट्रीटमेंट दिया गया है। आगे चल के इसका मैं आपको साउंड को भी चेकआउट कराने वाला हूँ। और रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का आपको यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है, जो कि आपको टोटली रेड कलर में मिलेंगे। 130 mm का रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है, इसमें आपको रियर में कोई भी डिस्क ऑप्शन नहीं मिलता है। और रियर टायर की ओर देखा जाए तो रियर टायर भी आपको 80/100 सेक्शन के मिलेंगे, आपको सेम साइज का आपको टायर दिया गया है, जो कि आपको आगे मिलता है। और ये भी टायर आपको ट्यूबलेस ही मिलने वाला है। सीट की ओर देखें तो आपको यहाँ पे सिंगल पीस सीट दिया गया है, 2-3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और सीट के अंदर जो रुई दिया गया है ये भी आप चेक कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रुई देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको सिंगल पीस ग्रैब हैंडल्स दिया गया है, यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। और यही आप इसके नीचे देखें तो यहाँ पे भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ आपको टेल लाइट दिए गए हैं। इस जगह पे आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया है, ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। और जब आप इस साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी गर्क ऑप्शन पहले से ही मिल जाता है। इस जगह पे आपको लेडीज फुटेज भी पहले से ही दिए गए, आपको बाहर से कुछ भी लगाने का आवश्यकता नहीं है। और जो चेन मिलता है, जो कि आप टोटली कवर्ड दिए गए, ताकि आपको लुब्रिकेशन करने में आपको हल्का प्रॉब्लम हो, बट जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको ज्यादा अच्छा हो सके। यहाँ पे आपको टायर में क्या हवा होना चाहिए वो भी आपको मेंशन किया गया है। ये आपका मिडिल स्टैंड दिया गया है, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड दिए गए हैं। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी फीचर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखें, जो कि इसमें 4 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके मीटर कंसोल की ओर देखा जाए तो यहाँ से आप इसका मीटर कंसोल देखेंगे, जो कि आपको सेमी डिजिटल में मीटर कंसोल दिया गया है। इधर आपको डिजिटल पार्ट दिया गया है, और ये आपको एनालॉग में दिया गया है। ये आपको स्पीडोमीटर दिखाने वाला है, और जब आप 40 से 50 किलोमीटर के बीच में चलाएंगे, जो कि आपको इकोनॉमी जोन कहलाता है, उस वक्त आपको ज्यादा माइलेज मिलेगा। इस जगह पे देखें तो आपका तेल कितना ज्यादा बचा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। इस जगह पे आपको डिजिटल में क्लॉक भी दिखाने वाला है, और यहाँ पे आपको ट्रिप दिखाने वाला है। और यहाँ पे एक छोटा सा बटन मिलता है, इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप कितना किलोमीटर चले टोटल, ओडोमीटर वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। इधर आप देखें तो आपको लीवो को भी मेंशन किया गया है। ऊपर में आपको कुछ इंडिकेशन मिल जाएंगे, न्यूट्रल इंडिकेशन, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का इंडिकेशन, और यहाँ पे आपको लो बीम और आपको हाई बीम का इंडिकेशन दिया गया है। इस जगह पे आपको 2 की देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक से आपको की दिया गया है। इस जगह पे आपको की का स्लॉट मिल जाएगा।
इसे ऑन करता हूँ और अभी आप यहाँ पे इसका कुछ थीम देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर भी दिखाने वाला है। सिंगल पीस आपको यहाँ पे हैंडल बार मिल जाएगा। स्विचेस की ओर देखा जाए तो आपको लो बीम, आपको हाई बीम का स्विच, लेफ्ट टर्न राइट टर्न का स्विच दिया गया है। ये आपका हॉर्न का स्विच दिया गया, सिंगल हॉर्न ही मिलेंगे। इधर आपको इंजन ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया और यहीं से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। और ये आपको सेम SP125 से ही लिया गया है। अब मैं इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड को चेकआउट कराता हूँ। साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आप साउंड को चेकआउट करेंगे। तो अभी गाइस जस्ट आपने इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, जो कि इंजन में आपको अच्छा खासा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। और इस बाइक से आप माइलेज अप्रॉक्स 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का आप माइलेज आराम से गेन कर सकते हैं। और अगर आप इसे इकोनॉमी जोन पे राइड करते हैं तो अफकोर्स आप 65 तक का भी माइलेज आप इसे आराम से गेन कर पाएंगे। और इस बाइक का टॉप स्पीड आपको लगभग 80 से 90 किलोमीटर पर आवर का इसमें आपको टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बाइक में आपको इंजन 109.5 सीसी का दिया गया है, जहाँ कि आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक टू वाल्व के साथ देखने को मिलेगा। एयर कूल्ड के साथ इंजन दिया गया है, जो कि आपको टोटली FIBS6 फेस 2 के साथ देखने को मिल जाएगा। और ये भी बाइक आपको टोटली E20 को भी सपोर्ट करने वाली है, जिसे इस बाइक को आप 20% इथेनॉल और साथ साथ इसे आप 80% पेट्रोल के मिक्सर के साथ भी चला पाएंगे। जहां से कि इस बाइक से आप पावर अप्रोक्स 8.67 PS का पावर और 9.3 न्यूटन मीटर का आप टॉर्क जनरेट कर पाएंगे। और इस बाइक का जो वेट है, जो कि मात्र आपको 113 केजी का वेट रखा गया है, बहुत ही ज्यादा आपको हल्का देखने को मिलेगा। और इस बाइक का जो सीट हाइट है, जो कि आपको मात्र 790 mm का रखा गया है। इसे एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि आपको बैठने में सीटिंग पोजीशन कितना मिलता है। और दोनों साइड आप मेरा अभी पैर देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजिली अट चुका है। और मेरा हाइट 5.6 इंचेज है, जिस वजह से मुझे पैर रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और सीटिंग पोजीशन आप यहां से चेक कर सकते हैं, आप टोटली स्ट्रेट बैठेंगे, आपका शोल्डर में भी कोई पेन नहीं होने वाला है और साथ साथ आपके हाथ में भी कोई पेन नहीं होने वाला है। अब मैं बताता हूँ कि इस बाइक का आपको ऑन रोड प्राइस कितना पड़ने वाला है और आपको एक्स शोरूम प्राइस कितना देखने को मिलेगा। और इस बाइक का आपको एक्स शोरूम प्राइस 79,200 रुपीज रखा गया है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है, जो कि आपको 94,000 रुपीज रखा गया है इसके ड्रम वाले वेरियंट के लिए। और इसका जो डिस्क वाला वेरियंट आता है, उसका आपको ऑन रोड प्राइस 98,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 1,00,000 से कम में ही देखने को मिल जाता है। और साथ साथ इससे आपको माइलेज भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो मैं आपको प्राइस बताया हूँ, जो कि होराइजन होंडा रांची का शोरूम का ये प्राइस बताया हूँ, शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने गाइस इस बाइक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में, वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।